अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सेविया का मीठा। सेविया का मीठा बनाने के लिए मैं एक पैन रख के घी डाली हूँ, उसमें डाली हूँ सेविया। सेविया को अच्छे से रोस्ट कर देते हैं घी में। अब हमारे सेविया रोस्ट हो गए, ये पहले से रोस्टेड सेविया है। ये फिर से मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ घी में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है घी में रोस्ट करने से, और हमारा मीठा भी बहुत टेस्टी रहता है। अब हमारे सेवियाँ रेडी हो गए अच्छे से रोस्ट होकर, इसको निकाल लेते हैं। मैं रख ली हूँ दूध, सेवियाँ बनाने के लिए दूध को गर्म कर लेती हूँ। ये फुल फैट मिल्क नहीं है, नॉर्मल दूध है। नॉर्मल दूध से ही विदाउट खोया डाले हम एकदम रिच और क्रीमी स्वीट बनाते हैं। आज हमारा दूध बॉईल होता है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर। थोड़े ज़्यादा मीठा पीते खाते हैं, थोड़े कम खाते हैं, आपकी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लेना शक्कर को। हमारा मीडियम खाते हैं, ना ही मीठा ना ही फीका। शक्कर को थोड़ा सा पकने देते हैं। हमारी शक्कर भी अच्छे से घुल गई है, अब मैं ऐड करूंगी। मैं बादाम और इलायची को अच्छे से ग्राइंड करके रख ली हूँ, बादाम काजू इलायची को। अब इस पाउडर को हम दूध में मिला देते हैं। इलायची को भी मैं बादाम के साथ और काजू के साथ पीस ली हूँ, क्योंकि अलग से डालने को बच्चे नहीं पसंद करेंगे। बादाम को छिलके के साथ पीस लिया था, थोड़ा सा 2 मिनट्स के लिए कुक होने देते हैं इसको। हमारा दूध बॉईल होता है, हम ऐड करेंगे सेमिया। बस 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। हमारे बारीक सेमिया है, इसको ज्यादा कुक नहीं करते, बस 5 मिनट्स के लिए कुक करके स्टोव ऑफ कर देते हैं। हमारे सेवियाँ रेडी हो गए हैं, अब स्टोव ऑफ करके घी में बादाम काजू तल के डाल लेते हैं। पैन में घी डाल के इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। थोड़ा सा लाइट कलर चेंज होना, ज्यादा लाल नहीं करना बादाम को, थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम इसको निकाल लेते हैं स्टोव ऑफ करके। हमारा मीठा रेडी हो गया, मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल ली भी हूँ और घी और बादाम को डाल ली। आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो बनाइए 6-7 मिनट्स के अंदर ये सेविया का मीठा। कोई खवा यूज़ करे और मिल्कमेड भी यूज़ नहीं करी, फिर भी रिच और क्रीमी सेविया का मीठा रेडी हो गया है 7 मिनट्स के अंदर। आप भी ट्राई करना ज़रूर इस मीठे को। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।